चावल की जो आटे की जो रेसिपी आज मैं बनाने वाली हूँ वो हमारे घर में हमेशा ही बनाई जाती है और सभी को बहुत ही पसंद आती है। चटपटी सी है और सिंपल तरीके की बिल्कुल रेसिपी है जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा मसालों का यूज नहीं किया है। बहुत ही साधारण से मसाले हैं जो हमारे घर में मिल जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने ये रेसिपी बिल्कुल नई कैसे बना के रखी है। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सर ले लिया है और इस मिक्सर में हमें डालना है एक प्याज जो मैंने धो के चार फाक में काट लिया था। यहाँ पे मैंने एक आलू लिया है और इसे भी मैं पीस कर लूँगी इसका छोटा छोटा सा और इसे भी मिक्सर में डाल दूँगी। अब डालूँगी मैं इसमें चार लहसुन, आप कम या ज़्यादा लहसुन ले लीजिएगा और मिर्ची भी अपने हिसाब से ही लीजिएगा। ये बहुत तीखी मिर्ची थी और मैंने ज़्यादा नहीं डाला है। यहाँ पे मैं डालूँगी दो चम्मच दही, ये घर का दही है, आप बाहर का भी दही ले सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से पीस लूँगी बिल्कुल फाइन पेस्ट, इसमें कहीं पे भी कोई गांठ नहीं रहनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से पीस जाना चाहिए। और ये बहुत ही बराबर बहुत ही बढ़िया सा पिसा है और इसकी खुशबू ना बहुत ही अच्छी आ रही है। तो चलिए अब हम बाउल ले लेते हैं और बाउल में मैंने यहाँ पर पौन कटोरी तक चावल का आटा लिया है। यहाँ पे मैंने छोटी कटोरी से आधी कटोरी रवा लिया है, ये महीन वाला रवा है, मोटा रवे की हमें ज़रूरत नहीं है इसमें। अब हमने अपना जो पेस्ट बनाया था उसे भी इसे ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हमें डालना है इसमें स्वाद अनुसार नमक, कश्मीरी मिर्च है ये, आप अगर तीखा चाहिए तो तीखी वाली मिर्च भी डाल सकते हैं, थोड़ा हल्दी है कलर के लिए, एक चम्मच जीरा मैंने यहाँ पे डाला है और साथ में डालूंगी आधी चम्मच अजवाइन। अजवाइन जब भी हम कहीं डालते हैं तो हमें क्रश किए बिना नहीं डालना चाहिए। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, कसूरी मेथी का स्वाद और खुशबू ना इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट लाता है। साथ में मैंने मिक्सर में थोड़ा पानी डाल के उसे भी डाल दिया है जिससे हमारे जो मसाले रह गए थे वो भी अच्छे से निकल आए। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, लेकिन ये काफ़ी गाढ़ा है तो हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जिससे ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा गीला ना हो। स्पून की सहायता से ये नहीं हो पा रहा था तो मैंने स्पून साइड में रख दिया है और अपने पांच कांटे वाली उंगली से इसे कर लूँगी। पांच कांटे वाली उंगली को होते हुए चम्मच की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही अच्छे से आप इसे मिलाइएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा और ज़्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं तो एक बार में अगर ज़्यादा डाल देंगे तो आपका ये बैटर ख़राब हो जाएगा। देखिए कितना ही बढ़िया बैटर हमारा बना हुआ है, ये इसे अच्छे से हमें फेंटना है खूब बढ़िया से, तीन से चार मिनट तक आप फेंटिएगा, जितना ही अच्छा फेंटेगा ना उतना ही अच्छा इसमें स्वाद निखर के आएगा। तो बढ़िया से इसे फेंटना है हमें और ये हमारा फेंट गया है और 10 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे। और ये मेरा 10 मिनट हो गया था तो इसे थोड़ा सा 2 से 3 मिनट तक और फेंट लेते हैं हम। तो आप बैटर देख सकते हैं कितना ही अच्छा है मेरा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं है, एक नॉर्मल पकौड़े के जैसे है। अब हम यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल लिए हैं, ये सोयाबीन तेल है, आप चाहे और कोई भी तेल ले सकते हैं। तेल जब गर्म हो जाए तो आपको पकौड़ियाँ अपना छोटा या बड़ा जिस साइज़ में आप खाना चाहो उस साइज़ में इसमें तेल में डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी पकौड़ियाँ देखिए थोड़ा थोड़ा डाल ली हूँ, तेल खूब गर्म होना चाहिए लेकिन जब आप पकौड़ी डालिएगा तो तेल अपनी धीमी कर दीजिएगा, नहीं तो आपका पकौड़ी ऊपर से जल जाएगा और नीचे से कच्चा रह जाएगा अंदर से। एक से दो मिनट बाद ही हमें इसे चलाना है, नहीं तो ये कढ़ाई में चिपक जाएंगे और जो है फिर अच्छे से निकल नहीं पाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो एक दो मिनट का टाइम आप दीजिएगा और ये देखिए 50% ये कुक हो चुका है, मुश्किल से 5 से 6 मिनट में ये बहुत ही बढ़िया सा कुक हो जाता है और बहुत ही बढ़िया सा बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए अब इसे प्लेट में हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने टमाटो केचप के साथ इसे निकाला है और ये टी टाइम का बहुत ही अच्छा और सिंपल नाश्ता है, इसे आप रोज़ खा सकते हैं, ये नुकसानदेह भी नहीं है, इसे सब कोई खा सकता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो अगर हमारी बनाई गई रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ हमारे रेसिपी को चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।